लोग ये भी पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद बाल कितने दिनों तक रुके रहेंगे उनके सिर पे, तो डेफिनेटली ये हम पीछे के बाल एक सेफ जोन से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के बाल जनरली 50-60 साल तक इसमें एजिंग का इफेक्ट नहीं आता, इसमें एंडोजेनिक एलोपेशिया वाला इफेक्ट नहीं आता, मिनिएचराइजेशन नहीं होता, बालों की जड़ मोटी ही रहती है, तो उतने टाइम तक ये आगे भी ये मोटे लगे रहेंगे। फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे पेशेंट्स का एक ये क्वेश्चन होता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर क्या गिर सकते हैं कि नहीं गिर सकते हैं, क्या ये परमानेंट रहते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट रहेंगे या ये हेयर फॉल इसमें भी हो सकता है। तो आपको एक चीज़ पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हेयर है उसका एक साइकिल है, मतलब साइकिल से मतलब है कि ये कुछ टाइम तक ग्रो करता है, फिर ये रुक जाता है, शेड हो जाता है और फिर रूट से फिर नया बाल निकल के आता है। इसको आप ऐसा समझिए कि जनरली लेडीज़ में ये एक हमेशा कंप्लेंट रहती है कि उनके बाल लंबे नहीं होते हैं। उनका कहना है कि उनकी फ्रेंड के बाल तो बहुत लंबे हैं, मेरे बाल तो उतने लंबे नहीं होते हैं। तो यदि किसी का जेनेटिकली हेयर का साइकिल 4 साल का है तो 4 साल तक बाल लंबा होता है, उसके बाद बाल झड़ जाता है और फिर नया बाल निकल के आता है जो कि अगले 4 साल तक लंबा होता है। यदि किसी का हेयर साइकिल 10 साल का है तो बाल 10 साल तक लंबा होगा, 10 साल लंबा होने के बाद वो रुक जाएगा, शेड हो जाएगा और फिर नया बाल निकल के आएगा। तो जेनेटिकली जिसके बालों की क्लॉक जितनी लंबी है उतना ही लंबा उसका बाल होता है। अब चूंकि हम हेयर ट्रांसप्लांट में पीछे से बाल निकालते हैं, यहाँ के बालों की रूट्स को निकाल के हम आगे सब रिसिपिएंट एरिया में लगाते हैं, तो यदि किसी के बाल 10 साल तक लंबे होने हैं तो लंबे होगा और वो फिर शेड होगा। तो ऑन एन एवरेज 10% बाल जो हैं हमारे सिर के वो शेडिंग फेज में रहते हैं, कभी भी 100% बाल ग्रोइंग फेज में नहीं रहते हैं, 90% बाल ही ग्रोइंग फेज में रहते हैं और 10% बाल हमेशा शेडिंग फेज में रहते हैं। तो ये जब हमने ट्रांसप्लांट करके हमने बालों को आगे लगा दिए तो जो बाल शेडिंग फेज में रहने वो शेडिंग फेज में रहेंगे, तो 10% बाल आपके शेड होंगे, मतलब दो चार बाल आपको डेली दिखाई देंगे कि आगे से या पीछे से या जहाँ भी कहीं से बालों को झड़ना है तो वो उतना आपको शेडिंग फेज में दिखाई देते रहते हैं। तो बालों का झड़ना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज शेडिंग आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। सिंक्रोनाइज शेडिंग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी पेशेंट में मिलती है और पेशेंट उसकी वजह से काफ़ी घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। सिंक्रोनाइज शेडिंग में बहुत सारे बाल, ट्रांसप्लांटेड बाल, बेसिकली एकदम से शेड होने लगते हैं और फिर वो ग्रो होने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब हम बहुत सारे बालों को पीछे से निकाल करके आगे लगाते हैं तो वो एक साथ ग्रो होते हैं और उनकी जब शेडिंग फेज आती है तो वो एक साथ ही शेड करना शुरू हो जाते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हेयर का एक साइकिल रहता है, वो कुछ टाइम तक ग्रो करता है और उसके बाद वो रेस्टिंग फेज में जाता है, फिर वो शेड हो जाता है। अब जब हम बहुत सारे बालों को पीछे से ट्रांसप्लांटेड एरिया से निकाल के आगे लगाते हैं तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक साथ फिक्स हो जाती है, वो ग्रो भी करते हैं एक साथ और शेड भी हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि उनके बाल अब लूज हो रहे हैं, वो अब गंजे होने वाले हैं फिर से, जबकि ऐसा नहीं होता है। रेगुलरली मिनोक्सिडिल वगैरह लगाने के बाद 3-4 साल में वो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो डिसिंक्रोनाइज हो जाता है और बालों का झड़ना जो है वो धीरे 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 कम हो जाता है और आपके जो बाल हैं वो आपको लंबे समय तक सिर पे टिके हुए रहते हैं। एक लोग ये भी पूछते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद बाल कितने दिनों तक रुके रहेंगे उनके सिर पे, तो डेफिनेटली ये हम पीछे के बाल एक सेफ जोन से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ के बाल जनरली 50-60 साल तक इसमें एजिंग का इफेक्ट नहीं आता, इसमें एंडोजेनिक एलोपेशिया वाला इफेक्ट नहीं आता, मिनिएचराइजेशन नहीं होता, बालों की जड़ मोटी ही रहती है, तो उतने टाइम तक ये आगे भी ये मोटे लगे रहेंगे। पर हेयर शेडिंग एक नेचुरल प्रक्रिया है, हेयर शेडिंग मतलब कि अमूनन एट ए टाइम 10% बाल जो हैं सिर पे शेडिंग फेज में रहते हैं, तो उतने बाल झड़ेंगे भी और वो बाल धीरे धीरे निकल के भी आएंगे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो सिंक्रोनाइज शेडिंग है, सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2-3 साल तक मिल सकता है, उसके बाद वो डिसिंक्रोनाइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जो अचानक से ज़्यादा हेयर फॉल होने वाली कंडीशन है वो ठीक हो जाती है और आपके बाल जो हैं फिर से नेचुरली सारे सिर के बाल एक फेज में आ जाते हैं और 10% बाल ही एट ए टाइम फिर झड़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल कितने दिनों तक उगेगा, क्या ये इसके जाने के चांसेस हैं कि नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करूंगा कि ट्रांसप्लांट के बाद बाल कितने दिनों तक उगते हैं।
यदि आपने ट्रांसप्लांट कराया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम चूज़ करते हैं कि हमारा जो डोनर एरिया है वो कितना सेफ़ है और इसमें से हम सेफली कितने बाल निकाल सकते हैं। जितने ज़्यादा सेफ हम हेयर निकालेंगे पीछे से, जो कि ग्रोइंग फेज़ में, एनाजन फेज़ में है, और उनको हम आगे लगाएंगे, उतने ज़्यादा वो ग्रोथ आएगी उनकी। सो यदि आपका डोनर एरिया 50 साल के आसपास वीक होने लगता है तो डेफिनेटली, क्योंकि यही बाल निकाल के आगे लगाए गए हैं, तो ये बाल भी वीक होने लगेंगे। यदि ये एरिया 70 ईयर्स तक आपका चलता है, 70 ईयर्स में जाकर के यदि डोनर एरिया के बाल पतले होने शुरू होते हैं, तो 70 ईयर्स में ही डोनर एरिया से निकाले हुए बाल जो हमने फ्रंट में लगाए वो वीक होना शुरू होंगे। एक गलती क्या हो जाती है जो बहुत लोग करते हैं बाल निकालते समय, कि वो डेंजर जोन में जाकर के बाल निकालना शुरू कर देते हैं। डेंजर जोन मतलब कि नेक के नीचे वाला हिस्सा, या सिर का जहाँ पे वर्ल ख़त्म हो रहा है उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा, वहाँ के बाल अनस्टेबल रहते हैं। वो वाले बाल यदि डॉक्टर निकाल के लगाते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, अगले 4-5 साल में वो बालों की शेडिंग हो सकती है। तो जितना सेफ एरिया से बाल यूज़ किया जाएगा, जितना लॉन्ग लास्टिंग बाल को निकाल करके हम लगाएंगे, उतने दिनों तक बाल ट्रांसप्लांट के बाद उगता रहता है। और दूसरा, जेनेटिकली आपका डोनर एरिया कितने समय तक हेल्दी रहेगा उसके बेस पे भी ट्रांसप्लांट का रिजल्ट डिपेंड करता है कि ट्रांसप्लांटेड बाल कितने सालों तक उगते रहेंगे। तो अब एक नटशेल में मैं बता दूं कि 70 ईयर्स तक आपका डोनर एरिया काफ़ी हेल्दी रहता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद एक आप एक मान सकते हो कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है आपके 70 ईयर्स तक उगते रहेंगे। तो आप जनरलाइज करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह से मान लो कि इन ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट 70 ईयर्स तक जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी पेशेंट में जेनेटिक इफेक्ट आ रहा है डोनर एरिया में, तो डेफिनेटली वो जेनेटिक इफेक्ट की वजह से जल्दी उसके बाल पतले हो रहे हैं तो आगे भी उसके बाल पतले होंगे। सो आई थिंक ये पॉइंट आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा, और जब भी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपको इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि आपके बाल कितने समय तक उगने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक्स अगेन।